था इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को. लाइक हमने जो इंडिया हमारा था इंडिया का जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट था इम्प्लीमेंटेड था उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अब हमने क्या किया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को यानी इंडियन एक्ट 1935 में कुछ माइल्ड चेंजेस करके उसे जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि जी 49 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान. अच्छा जी, इंडियन एक्ट तो सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि जाहिर है हमें फॉर द टाइम बीइंग एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था और हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी कि हम उसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करें. और उसके बाद हमने उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस करके उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट की. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड एज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. This constitution has, sorry, this document has basically provided the parameters and sublime principles to the legislators, and it made the constitutional process a more easy process. यानी कि इस report के बाद लोगों को ये idea हो गया कि जी like constitutional making bodies को ये idea हो गया कि जी अब हमने constitution में क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिकली हमने इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ें जो है उनको इंक्लूड नहीं करना. तो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स जो थे बिफोर देम दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैड फेस्ड लॉट अंडर द हिंदू डोमिनेटेड मेजॉरिटी. द रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड पहले अकत अली खान एंड देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. Basically, Liaquat Ali Khan was then Prime Minister of Pakistan. He basically have moved that resolution in the National Assembly, Legislative Assembly and the Islamic. And he basically declared that now the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is this, and this was approved on March 12, 1949. अच्छा जी, आफ्टर पासिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 जाहिर है हमने मज़ीद भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना था. जाहिर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी कंसीडर नहीं हुई थी. तो उसके लिए जो है वो लियाकत अली खान ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बना दी. इस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने बेसिकली 47 से 54 तक जो है वो काम किया. The first Constituent Assembly was came into existence under the Indian Independence Act 1947. The elections were held in July 1946 to decide the destiny of All India Muslim League's claim that it is the only representative party of the Indian Muslims that desired the separate homeland, Pakistan. The members from the districts that became the part of the Pakistan were declared members of the Constituent Assembly. The number of such members was 69. It increased 79 after the 1947 when some seats joined Pakistan and then increase in the population. There were two major parties, Muslim League Congress in the assembly that time, and this assembly had dual function of the perform. अच्छा जी, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बेसिकली ये डिसाइड कर ये बताना था कि अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस क्या है पाकिस्तान की. बेसिकली हमने इतने अरसा जो है वो हिंदू डोमिनेंट नेशंस में गुजारा था, तो जाहिर है वी हैव टू गो आउट ऑफ दैट डोमिनेशन नाउ. और फिर क्या हुआ कि जी सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसके जो मेम्बर्स थे देवर 69, लेकिन उसके बाद जो है वो नंबर्स को इंक्रीज करके 79 कर दिया गया. उस वक्त जो है वो दो मेजर पार्टीज थी, एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस बिफोर द इंडिपेंडेंस. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है देयर वाज मुस्लिम लीग एंड देन बांग्लादेश वालों ने भी अपनी एक लाइक ईस्ट पाकिस्तान साइड ने भी अपनी एक पार्टी जो है वो डिवेलप कर ली. दैट वाज अवामी नेशनल पार्टी, बट दे डिवेलप इट वेरी लेट. So this assembly has dual functions to perform. The first basic principle committee report was came in 1950,
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसके बाद दैट वाज बेसिकली आल्सो नोन एज द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, उसी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने जो है वो अपनी पहली रिपोर्ट 1950 में जो है वो प्रेजेंट की. द ऑब्जेक्टिव ये कहा गया कि जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विल बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे ऐड किया जाएगा. उसके बाद जी ये डिसाइड किया गया कि जी लेजिस्लेशन के लिए दो हाउसेस होंगे, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा. अपर हाउस जो है उसको हाउस ऑफ यूनिट कहा गया, लोअर हाउस जो है उसको हाउस ऑफ पीपल कहा गया. आफ्टर दैट इट वॉज बेसिकली डिसाइडेड कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों यूनिट्स की, लाइक from East Pakistan and from the West Pakistan. On the basis of the population, both the houses would enjoy the equal powers. The head of the state elected by joint session would be for 5 years. के ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी उनका एक जॉइंट सेशन होगा दैट विल बी फॉर 5 years. और एक एक शख्स जो है वो दो टर्म्स के लिए सिर्फ प्रेजिडेंट बन सकेगा. उसके बाद है जी कैबिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेस एंड नो मेंशन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज. इस रिपोर्ट पे बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इसमें ना तो जो है वो रिलीजन की बात की गई और बहुत सारे लोग जो जो इनको लगता था कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली मजहब के नाम पे बनाया गया, लाइक दैट इज़ फॉर्मुलेटेड ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, सो देर मस्ट बी इंक्लूजन ऑफ रिलीजन और देर मस्ट बी द स्टेटस ऑफ रिलीजन मस्ट बी डिफाइंड. But that was not defined in that particular basic principle committee report. Then the other major issue was the language. The people from the East Pakistan wanted Bengali as the national language, and the people from the West Pakistan wanted Urdu as the national language. So, but the matter of the language was not even touched in the first report of basic principle committee. So no one was ready to accept this report. To make the major changes, second basic principle committee report was present report was again made and it was presented in 1952. In this report it was declared that head of the state would be Muslims and no change in power, equal representation to east and west wings, that is upper house 60, lower house 60, 200 200, like for the upper house there will be the 60 60 representation, and for the lower house there will be a representation of 200 and 200. More power were given to the lower house, cabinet was made responsible to the lower house. ऐसे जी क्योंकि लोअर हाउस में जो है वो लोग भी ज़्यादा थे, रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा थी, तो लोअर हाउस को जो है वो ज़्यादा पावर दी गई ताकि वो लोग जो ताकि लोग जो के वेस्ट पाकिस्तान में हैं या वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड समझें, अपने आप को पावरफुल समझें, अपने आप को पावरफुल स्टेट का सिटीजन समझें. उसके बाद है जी मोर पावर वॉज गिवन टू द लोअर हाउस, कैबिनेट वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस को जो है वो कैबिनेट देख रही थी. It was promised that law making would be accordance with the Islam and no law would be made in violation of Islamic principles. तमाम के तमाम laws जो हैं वो Islamic principles के according बनाए गए थे और ये कहा गया था कि कोई भी law ऐसा नहीं होगा जो Islam के असूलों के खिलाफ होगा. Advisory board of 5 Islamic scholars was founded. Islamic scholars का एक advisory board बनाया गया था और इसी एडवाइजरी बोर्ड के ही जिम्मे था कि वो स्टेट के तमाम लॉज को रिव्यू करे कि अगर कोई भी लॉ जो है वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ ना हो. उसके बाद जी इस रिपोर्ट पे भी खासा क्रिटिसिज्म किया गया क्योंकि दोबारा इसमें लैंग्वेज के बारे में कोई ख़ास बात नहीं की गई थी कि लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज विल बी कंसीडर की जाएगी. और उसके अलावा अभी भी ईस्ट पाकिस्तान वालों को लगता था कि जी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी तरफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए. उसके बाद जी थर्ड रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट हुई, दैट वॉज इन बेसिकली 1953. इसे जो है वो मोहम्मद अली बुगड़ा फार्मूला भी कहा जाता है.
द प्रपोजल वर रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड डिसाइडेड, कि वो जो पिछली सारी रिपोर्ट्स में जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया था, तो उस सारे क्रिटिसिज्म को बेसिकली रिवाइज किया गया और डिसाइड किया गया, लाइक उस सारे क्रिटिसिज्म को दोबारा से रिवाइज करके और फिर डिसाइड किया गया। अच्छा जी, अपर हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द 5 यूनिट्स, फाइव यूनिट्स फॉर बेसिकली पंजाब, सिंध एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड ऑल दीज यूनिट्स। लोअर हाउस मोर रिप्रेजेंटेशन टू द ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट जो है वो पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा दी गई। वाइल इन जॉइंट सेशन बोथ विंग्स एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अपर हाउस 10, लोअर हाउस ईस्ट पाकिस्तान अपर हाउस 10, वेस्ट पाकिस्तान अपर हाउस 40, ईस्ट पाकिस्तान लोअर हाउस 165, वेस्ट पाकिस्तान लोअर हाउस 135, ज्वाइंट सेशन ईस्ट पाकिस्तान 175, वेस्ट पाकिस्तान 175, डिसीजंस बाय मेजॉरिटी बट इट मस्ट इंक्लूड 30% मेंबर्स फ्रॉम ईच जोन्स। अच्छा जी, इस रिपोर्ट में बेसिकली ये कोशिश की गई कि रिप्रेजेंटेशन जो है अब उसको वो जो ईस्ट पाकिस्तान वालों का क्लेम था कि जी हमारी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, इस रिप्रेजेंटेशन इस क्लेम को उन लोगों ने जो है वो बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश की। दे हैव बेसिकली डिसाइडेड कि जी इस क्लेम अब जो है जो पीपल लोग होंगे ईस्ट पाकिस्तान से उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में जो है वो 10 है और वेस्ट पाकिस्तान की 40 है। अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन मेजर किसको दी गई? वेस्ट पाकिस्तान को। लेकिन लोअर हाउस में मेजर रिप्रेजेंटेशन किसकी है? 165 ईस्ट पाकिस्तान की और 135 जो है वेस्ट पाकिस्तान की है। लेकिन ज्वाइंट सेशन में दोनों के बराबर बराबर है। अच्छा जी, 30% मेंबर्स जो है वो ईच जोन से बेसिकली उनकी मेजॉरिटी तो काउंट हो गई थी, बट अल्टीमेटली जो है वो क्रिटिसिज्म इस रिपोर्ट पे किया गया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को लगता था कि अपर हाउस जो है वो मेजर हाउस होता है और तमाम पावर्स जो है वो अपर हाउस बेसिकली रूल कर रहा होता है। तो अगर हमें पावर्स जो है वो अपर हाउस में से नहीं दी गई तो दैट इज़ लाइक नॉट राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में फिर लैंग्वेज के बारे में जो है वो कोई बात नहीं की गई थी, इसके ऊपर जो है वो दोबारा से क्रिटिसाइज किया गया। और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि जी हमारे राइट्स जो हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। हम जो हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन स्टिल जो है वो हमारे नंबर ऑफ पीपल जो है उनको नहीं देखा जा रहा, बट दे आर गिविंग मोर पावर्स टू द पीपल फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। सो ऑल ऑफ दीज वर द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय द पीपल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडीज ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।